आशीर्वाद बाबू जी, जीता रहे। आशीर्वाद पापा। अरे पापा मैं हूँ टप्पू। इसने पैर छूकर मुझसे आशीर्वाद लिया। अरे मुझे चुटकी काटिया बापू जी। अरे चुटकी काटनी थी बापू जी, हाथ नहीं है। टप्पू तू मुझे ऐसे शौक मत दे, सीधा सीधा बोलना तुझे मुझसे क्या चाहिए। लैपटॉप। बस इतनी सी बात। ये ले 10 रुपए, ले ले लॉलीपॉप। अरे पापा लॉलीपॉप नहीं, लैपटॉप। क्या? अरे तेरे पास तो पहले से एक लैपटॉप है। तुझे कोई नया लैपटॉप नहीं मिलेगा। अरे मम्मी बटालियन ढोकला नहीं, इटालियन ढोकला। दिल डिस्कस नहीं, डिलीशियस, वेरी डिलीशियस। अरे टप्पू के पापा आप भी लीजिए ना। हाँ हाँ चलो चलो और खाते हैं। पप्पू जी टप्पू के पापा मेरे हाथ के इटालियन ढोकला खाएंगे ना तो खो जाएंगे। मेरे खोने से पहले तो प्लेट में से ढोकला खो गया। आइडिया, मम्मी आप इतना अच्छा ढोकला बनाती हैं, तो क्यों ना हम ढोकला बेचने का बिजनेस करें। आप फूड ट्रक में ढोकला बनाना और मैं ऑनलाइन ऑर्डर लेकर डिलीवरी करूंगा। ये! फिर मैं अपने खुद के कमाए हुए पैसों से न्यू लैपटॉप लूंगा। लगता है लैपटॉप के चक्कर में तू बावला हो गया टप्पू, बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता। जेठिया जीवन में कभी कुछ आसान नहीं होता, कोशिश करके हमें उसे आसान बनाना पड़ता है। ए टपूड़ा, ए ढोकला के बिजनेस में मैं और जेठिया भी तुम लोगों की मदद करेंगे। लेकिन बापू जी। जेठिया। ओके बापू जी। अरे वाह, ये तो खुशी का मौका है, गरबा खेलने का मौका है। बोलना बैंक पास्ता। ऑलरेडी हमारा पिज्जा पास्ता का बिजनेस है ना, चल रहा है मंदा। ऊपर से अब ये लोग आ गए करने चौपट हमारा धंधा, डबल चीज मार के। आइए, करती हूँ मैं आपका वेलकम सर। अब तो है हमारे रोज के कस्टमर। अरे बोलिए क्या खाएंगे, रेड सॉस पास्ता या वेजी डिलाइट पिज्जा, डबल चीज मार के। आइए और खाइए, हम नहीं करते वादा ढोकला। यहाँ मिलता है सबसे बेस्ट ढोकला। इटालियन ढोकला, वाओ, आज मैं इटालियन पिज्जा पास्ता नहीं इटालियन ढोकला खाऊंगा। मुझे चाइनीज ढोकला दीजिए। मुझे जापानीज ढोकला दीजिए। एक्सक्यूज मी, थोड़ी देर के लिए चेयर लेके जाते हैं। ये लीजिए। ए जेठिया, इसे टेबल नंबर 1 पे देना है। ओके बापू जी। हे माता जी, बापू जी वो ऑर्डर टेबल नंबर 2 का था, टेबल नंबर 1 का ऑर्डर तो अंडर पेपर लेसन है ना। मम्मी अंडर पेपर लेसन नहीं, अंडर प्रिपरेशन। अरे हाँ हाँ वही, गोली तू जाओ टप्पू के पापा को रोक। ओके दया आंटी। हेलो माय सेल्फ जेठालाल चंपकलाल गड़ा।
जेठा अंकल ये मुझे दे दीजिए। ए गोली छोड़ छोड़, ये कस्टमर का ढोकला है तो जाके दूसरा खा जा। ये लोग ये ढोकला नहीं खा सकते। ये ढोकला कौन से लोग खाएंगे? मेरी बात मानिए, मुझे दया। मैं तुझ पे दया खाऊंगा तो बापूजी मुझे खा जाएंगे। मैं तुझे इस प्लेट से ढोकला नहीं खाने दूंगा। अंकल, दया आंटी ने कहा था कि ये ऑर्डर टेबल नंबर एक का नहीं टेबल नंबर दो का है, इसीलिए ये ढोकले मैं आपसे ले रहा था। ए भाई, पहले नहीं बोल सकता था ये। सॉरी अंकल। ये लीजिए, ये इटालियन, ये जापनीज, ये चाइनीज और ये मैक्सिकन। टप्पू के पापा का चेहरा तो दुनिया का नक्शा बन गया। जॉक्स जॉक्स। हाँ कस्टमर। हेलो जी, मैं हूँ प्यारा सा बंदा मिस्टर खरबंदा। बड़ी दूर से आया हूँ, मेरी बर्थडे पार्टी का 500 पिज्जा का ऑर्डर लाया हूँ। 500 पिज्जा? अरे वाह, हम ऐसे कमाल के पिज्जा बनाएंगे। आप एक बार खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, डबल चीज मार के। तो क्यों कर रहे हो टाइम वेस्ट, जल्दी कराओ पिज्जा टेस्ट। ये टेस्ट डबल चीज मार के। अरे चीज है के कम है। सॉरी सर। अरे क्या कर रहे हो? ओए मेरे दांत। अंकल ये रहे आपके सोने के दांत। थैंक यू। अभी आ, सॉरी, डबल चीज मार के। वो तुम्हारे डबल चीज के चक्कर में मेरे डबल दांत गिर गए, वो भी सोने के। तुम्हारी वजह से मैं अपनी ही बर्थडे पार्टी में कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। खरबंदा भाई, आप अपनी बर्थडे पार्टी में हमारा ढोकला खाना। हमारा ढोकला इतना सॉफ्ट है कि वो आप बिना दांत भी खा सकते हैं। एक मिनट चेक कर देखिए। बले बले, ओए आपका ढोकला तो मेरे दांतों की तरह है, खरा सोना। आप प्लीज 500 प्लेट ढोकला का ऑर्डर मुझसे ले लो ना। दीजिए, दीजिए। मम्मी गीजर नहीं प्रेशर। वही तो बोल रही हूँ। इस एड्रेस पे पहुँचा देना ढोकला 500 प्लेट। आना शार्प शाम 7 बजे, नहीं करना बिल्कुल लेट। भाई, इतना बड़ा ऑर्डर हमारे हाथ से गया। देखा तो ऑर्डर मिलने से कितनी खुशी है। ये वजह से हो रहा है हमें बहुत बड़ा नुकसान। अब तो बंद करवानी पड़ेगी इनके ढोकले की दुकान, डबल चीज मार के। टप्पू, ढोकला बिजनेस के पहले दिन ही हमें 500 प्लेट ढोकला का ऑर्डर मिल गया है। मेरे लिए तो ये ग्रीन डमरू है। ग्रीन डमरू नहीं मम्मी, ड्रीम कम ट्रू। वही बोल रही हूँ। डैड प्लीज, ताकत के लिए बड़ा पाव खाना पड़ेगा। चलो डैड प्लीज, और ताकत के लिए बर्गर खाना पड़ेगा। इस गोली का क्या करूँ मैं टप्पू? गोली को वहाँ खाने दे, तू यहाँ आ जा गोगी, यहाँ केक मिलेगा। केक? क्या केक? मैं अभी आया। कहाँ है केक? अब हम इस आटे में पानी, नमक, अदरक।
मम्मी ढोकले का स्वेटर नहीं, ढोकले का बैटर। कितनी भी कोशिश कर लो, हम ढोकला अच्छा नहीं बनने देंगे। ये तीखी लाल मिर्च डालकर उसे बिगाड़ देंगे। आस्था बहना, जब मैं कहूँ तब तुम उनका ध्यान डाइवर्ट कर देना, डबल चीज मार के। ठीक है पिज्जा भाई। हम इतने टेस्टी ढोकला बनाएंगे कि घर बंदर भाई को एकदम मजा ही आ जाएगा। चूहा, चूहा, कहाँ है चूहा? मेरी आपको ने दिया मुझे दगा, किसी का जूता मुझे चूहे जैसा लगा। क्या पिज़्ज़ा अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे इन लोगों ने तो स्टैम करके पूरा पिचका दिया, कुछ खाना पड़ेगा डबल चीज मार के। अरे अब क्या हुआ? कुछ नहीं, पिज़्ज़ा भाई को पास्ता खाकर माँ की याद आ गई। खाओ डबल चीज मार के, तीखा कम लगेगा। चलो अभी ढोकला स्टीप करते हैं। दया खुशबू तो बढ़िया है। अब थोड़ी देर में हमारे 500 प्लेट ढोकला तैयार हो जाएंगे। चलिए जब तक ढोकला तैयार होता है ना, तब तक हम ढोकले के साथ खाने के लिए चटनी बना देते हैं। इस बार है ना, मैं जाऊंगी उनके ढोकले के बैंड बजा के आऊंगी। अरे मुझसे नहीं होता ज्यादा सवार, जल्दी जाओ और लाओ खुश खबर डबल चीज मार के। बापूजी, अरे क्या कर रहा है चेतिया? डिब्बे को मेरे साथ तय गोली के साइकिल पे बांधना है। शरी शरी बापूजी। टप्पू, अब इन लोगों को निकलना चाहिए। हम समझ रहे थे स्मार्ट, लेकिन ये तो निकले अक्कल के कच्चे साव। ढोकला की डिलीवरी के लिए आ रहे हैं दो मासूम बच्चे डबल चीज मार के। हाँ,
और सिर्फ दो वड़ा पाव निकले। अरे जिसका हमें इंतजार था कहाँ है वो ढोकले? वहाँ। चलो पास्ता बे पीछा करते हैं। जी यहाँ है टोकला। मैं हूँ प्यारा सा बंदा मिस्टर खरबंदा। ये सोनू बड़ी दूर से आई थी, समय से पहले टोकला की डिलीवरी लाई थी। पिज़्ज़ा भाई, पास्ता बेन, हमने आपको केचप वाले हाथों से पकड़ लिया है। केचप वाले हाथों से मतलब? रेड हैंडेड। अरे वैसे आपको कैसे पता चला कि हम पिज़्ज़ा और पास्ता पटेला डबल चीज मार के? जब हम ढोकला बैटर बना रहे थे तब मैंने आपको हमारी वैन के पास छुपकर जाते हुए देखा था, और फिर हमारी वैन में मुझे लिप्स पाउडर का पैकेट भी मिला। उसी वक्त मुझे डाउट हो गया था कि आप हमारे ढोकले स्पॉइल करना चाहते हो। इसलिए टप्पू ने ये प्लान बनाया। आप लोग हमें रोकने की कोशिश करते रहे और सोनू ने चुपके से ढोकला की डिलीवरी कर दी। You are very smart, Tappu. Sonu, tell me something I don't know. Oji Daya Pen, ye lijiye aapke tokle ke paise. Thank you much, much very. Hey, Mamata ji, ye to aapne bahut zyada paise de diye. Oji Sonu ne mujhe bataya ki aap is tokle ke paison se अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए लैपटॉप लेने वाले हैं। जी तो मैंने अपनी तरफ से इसमें एक लैपटॉप के पैसे और जोड़ दिए, एक से पले दो। क्या मतलब टप्पू को नया लैपटॉप अपने लिए नहीं चाहिए था? नहीं पापा, टप्पू सिन्हा को अपने ऑर्फनेज वाले फ्रेंड्स के लिए लैपटॉप चाहिए था। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना, मैं मेरी तरफ से भी उन बच्चों के लिए दो लैपटॉप दूंगा, दो से भले चार। वाह, टप्पू सेना सच में बहुत अच्छा काम कर रही है, तालियां। पापा जी अब इनका क्या करें? हमें माफ कर दीजिए। अलिया सॉरी है। बापूजी ये लोग हमसे एजीओजी मांग रहे हैं, क्या करें? मम्मी एजीओजी नहीं, अपोलोजी। अरे हाँ वही बोल रही हूँ। इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगे तो हमें उसे जरूर माफ करना चाहिए। जाओ कर दिया माफ। और दूसरी बात बापूजी, माफी की तो ना कोई माँ होती है ना फी, फिर भी हम उसे माफी कहते हैं। बोलो।
वाह भाई वाह भाई, अच्छे कर्म और अच्छे विचार को फलते फूलते देर नहीं लगती। अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए लैपटॉप वाले अच्छे विचार के साथ खोली गई दया बहन की ढोकला रेस्टोरेंट को भी फेमस होने में देर नहीं लगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब जलन के कारण पिज्जा और पास्ता पटेल ने दया बहन के ढोकला के बड़े ऑर्डर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन हमारे स्मार्ट टप्पू ने इसका भी हल ढूंढ निकाला। पटेल भाई बहन की करतूतों को रंगे हाथों पकड़ा और उनके साथ साथ हमको भी समझाया कि किसी का बुरा सोचकर हमारा भला कभी नहीं हो सकता। छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा।